देख लो मैंने इतनी परेशानी भुगती है, दोनों में से किसी ने नहीं पूछा भाई तूने परेशानी वो करी, मैंने इतनी तबाही उठाई। मगर देवर जी कहते रहिए मतलब निकल गया तो पहचानते रही और जैसे जा रहे हैं जैसे जानते रही। देवर जी आपकी तो ये ऐसी बात है जो आपने मुझे मेरे पति से मिलाया, आपका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भूलोगे नहीं? हाँ। तो सुनो हम बहन मारू का भात भरने के लिए अच्छा। चल रहे हैं, चलो यहाँ से डेरा फिरते हैं। पर सुनो देवर जी। हाँ इधर देखिए सभी साथी मिलकर के अरे हो रल अरे हो रल से फोरल अरे कार we
पौधों को विश्राम ही लगा दीजिए। देवर जी मैं भी थक गई, मुझ पे भी चलाना जरूरी है। इधर मेहरबान हो, रास्ते में एक मड़ी पड़ती है, मड़ी पे भोजों को रोक देते हैं। वहां एक बड़ी का पेड़ था, बहुत रमणीक जगह थी। रात्रि के समय जब नर सुल्तान और महक दे एक ही कुशा सैया पे विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक नाग निकलता है और किस हिसाब से नर सुल्तान को डसता है, देखते रहिए प्रोग्राम यहां से आगे के लिए। भैया नर सुल्तान भाई साहब, भैया एक काम करो, अपने अपने तंबू टलवा दीजिए। हाँ तो आज का मुकाम यहाँ रहने दो, धूप भी ज्यादा पड़ रही है और रानी चलने से परेशान है, कह रही है कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए, आराम कर ले यहाँ। ये घोड़े बता जाना घुड़सालों में, एक डेरा घुड़सालों का बना दिया जाए। ये घोड़े बता दे घुड़सालों में, हाथी के पाम तो बंधवाए, और भैया सूर सिपाही डेरा लगवाए, सूर सिपाही डेरा लगवाए, तब आगे वो चल गए। जलेबी का थार उठा लाइए, एक भूखी आ जाते। जी हाँ जी, दो तीन थार खा लेगी। कहीं जाओ, कल 20 रुपया की खाई जरा भी आलत लाया। मुझे भूख लग रही है, कुछ भूख भी बुझा लूंगी, तुम खाना मंगाएंगे। भाई साहब जा रहे हैं और तेवर और हम तुम तो आराम कर लो, हम तुम यहाँ पर आराम करते कुछ देर के लिए। ठीक है अभी लो। बहुत दिनों में चाय बताओ,
क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि भाई साहब तो बियाबान में चले गए, हाँ? कि कहीं कुछ पल्ले पड़ जाए तो अच्छा है। अब हम तो आराम करते हैं, ये लो कपड़ा बिछाओ। ये कपड़ा कैसे बिछेगा? क्या पागल है? लो नू कह रही है ये कपड़ा कैसे बिछेगा? मैंने तो देखा भी अभी ये। क्या तुम खरेरी घाट पे सोई हो, जेलों में रही हो, तुम ये भी नहीं मालूम कि ये कपड़ा कैसे बिछेगा? कभी मैंने करा हो काम तो मैं करूं भी। चलो सीख जाएगी, लो तो बिछवाओ ना। ये लो। अच्छा। अरे ऐसे नहीं, सीधा करो ना ऐसे। कैसे होएगा सीधा? भाई कमाल है ये यार, कुछ जानते नहीं। मैं इधर से करता हूँ तो वो उधर से कर देती है। अरे सीधा तो करो, इसमें कैसे पड़ रही है? कैसे करोगे सीधा? लो करो तो सही। अरे यार कैसी औरत है, इसी बात समझा दो इसे, कपड़ा नहीं बिछाना आ रहा, दांत फैला रही हो, बता रहे हो कैसे होवेगा? मेरे बस की नहीं है। तेरा ध्यान चाय में दिखे, ले मैं बिछाऊं तुझसे। नहीं यार बिछाना, बिछाओ तुम। लो इसे पकड़ो इधर से, हाँ बिछाओ। कैसे करूं? फैलाओ ना। देख लो भैया, कपड़ा मैंने बिछाया है और मुझसे तो नहीं कहा कि महाराज आराम करो, वो पहले से लंबी लंबी पहुंच गई। अरे तुझे तो अजीब है, कोई नहीं है, उठ के बैठ जा। कपड़ा हमने बिछाया और सो गई तू। अरे पहले जो कायदा होता है वो हमारा होता है, उसके बाद में तुम्हें सुनना चाहिए। अच्छा, तू तो घुर का पहनने लगी एकदम ही। तुम सोओगे पहले? पहले हक हमारा, उसके बाद तुम सुना। तुम मुझे समझाओ ना ऐसे। हाँ चल सिखा दूंगा, धीरे धीरे सारी बातें सिखा दूंगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ जो भी बातें हैं धंधे में सभी सिखा दूंगा। अच्छा सही है। हाँ। कोई बात नहीं, आप लेट जाइए और मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। स्वामी मैं 12 साल आपके याद में तड़पी।